मेमू गेट स्कैंडल के मरकजी किरदार मंसूर एजाज ने 81 सफात पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहते हैं अमरीकी मुफादात का तहफ्फुज मेरी तरजीह है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मेमो स्कैंडल की कोई हैसियत नहीं, इस ऐवान में ऐसा रुकन है जो मंसूर एजाज से मुसलसल राबते में है, पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश हो रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान की जुज़वी इमदाद रोकने का बिल मंजूर कर दिया, हतमी मंजूरी के लिए आइंदा से सेनेट भेजा जाएगा। सदर जरदारी को 9 दिन बाद दुबई के अस्पताल से रिहाइश गाह मुंतकल कर दिया गया। सफीरों की कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात आज कौमी सलामती कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। दफ्तर खारजा ने कहा है कि नेटो के साथ सप्लाई मुआहदे जुबानी नहीं बल्कि दस्तावेजी हुए। और कतर ने तालिबान को दफ्तर खोलने की इजाजत दे दी, अफगानिस्तान ने एहतजाजन अपना सफीर वापस बुला लिया।